नमस्कार दोस्तों, मनुष्य के विकास के साथ ही कई धर्म सामने आए और आज दुनिया के ज्यादातर लोग किसी न किसी धार्मिक समुदाय को मानते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व की आबादी 7.7 अरब है। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि इतनी आबादी आखिर कौन कौन से धर्म को मानती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड के 10 में से 8 व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। किसी जगह मुस्लिम लोगों की अधिकता है तो कहीं ईसाइयों की, कहीं हिंदुओं की तो कहीं अन्य धर्म की बहुलता है। बता दें कि इस दुनिया में नास्तिक लोगों की संख्या भी काफी अधिक है, ऐसे लोग जो किसी भी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि दुनिया में किस धर्म के कितने लोग हैं। इसके साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं। जहां तक भारत की बात करें तो इसकी कुल जनसंख्या में करीब 80% हिंदुओं की जनसंख्या है। वहीं पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में मुस्लिम लोगों की अधिकता है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। इन सब में हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक धर्मों के लोग रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे छोटे से प्रयास इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 10 पे है जैन धर्म। दोस्तों, इस धर्म का उदय भारत में हुआ है, ऐसे में इसकी अधिक जनसंख्या भारत में ही मौजूद है। भारत के ज्यादातर लोग इस धर्म से परिचित है। बता दें कि दुनिया भर में जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 42 लाख के आसपास है। नंबर 9 पे है यहूदी। दोस्तों, यहूदी धर्म भी दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले धर्मों में आता है। भले ही भारतीय लोगों के लिए ये नाम नया है, लेकिन इस धर्म के लोगों की संख्या कम नहीं है। पूरे विश्व में करीब 1.4 करोड़ आबादी यहूदी धर्म को मानती है। नंबर 8 पे है सिख। दोस्तों, सिख धर्म के ज्यादातर लोग भारत में रहते हैं। इसके बाद इनकी संख्या दुनिया के कई देशों में देखने को मिलती है, जैसे कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों में। वर्तमान में दुनिया में करीब 2.3 करोड़ लोग सिख धर्म से आते हैं। नंबर 7 पे है अफ्रीकी पारंपरिक धर्म। दोस्तों, इस समूह में अलग अलग जातीय धार्मिक समुदाय को रखा गया है जो मुख्य तौर पर अफ्रीका से संबंध रखते हैं। इसे अफ्रीकी पारंपरिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में इस समुदाय के लोगों की आबादी 40 करोड़ है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 5.59% है। नंबर 6 पर है बौद्ध धर्म। दोस्तों, विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद बाकी धर्मों से कम नहीं है। हालांकि इनकी ज्यादातर संख्या एशिया महाद्वीप के देशों में देखने को मिलती है। पूर्वी भारत में भी काफी लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। दुनिया के करीब 5.25% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जिनकी संख्या 37.6 करोड़ है। नंबर 5 पे है चीनी पारंपरिक धर्म। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह धर्म आधिकारिक तौर पर हमारे पड़ोसी देश चीन में मौजूद है। चीनी पारंपरिक धर्म के मानने वालों की संख्या करीब 39.4 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 5.5% है। नंबर 4 पे है हिंदू धर्म। दोस्तों, दुनिया के कुछ सबसे पुराने धर्मों में से एक है सनातनी हिंदू धर्म। दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू हमारे देश भारत में मौजूद है। यहाँ की कुल आबादी में करीब 80% हिंदू है। इसके अलावा अन्य देशों में जो भी हिंदू मिलते हैं, उनमें से ज्यादातर का संबंध कहीं ना कहीं भारत से है। पूरे विश्व में हिंदुओं की आबादी करीब 1 अरब से अधिक है। नंबर 3 पे है नास्तिक। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरे विश्व के लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, तो इस दुनिया में नास्तिक लोगों की भी कमी नहीं है। ऐसे लोग आपको हर देश में देखने को मिल जाएंगे। दुनिया में इनकी संख्या करीब 1.1 अरब के करीब है। हालांकि नास्तिक कोई धर्म नहीं है।
नंबर दो पे है इस्लाम। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इस्लाम के मानने वाले सबसे ज्यादा लोग इंडोनेशिया में मौजूद है। इंडोनेशिया को आप विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम राष्ट्र भी कह सकते हैं। दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 1.6 अरब है। नंबर एक पे है ईसाई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दुनिया में ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। विश्व के ज्यादातर देशों में आपको ईसाई लोग देखने को मिल जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में इनकी जनसंख्या करीब 2.2 अरब है, जो पूरे विश्व की कुल आबादी का 31.5% है। तो अब आप जान गए होंगे कि दुनिया में किस धर्म के कितने लोग हैं। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ हिंदुओं का वर्चस्व है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इस विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जबकि हिंदू धर्म के लोग एशियाई देशों तक ही ज्यादातर सीमित है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर इस्लाम है, जिससे जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक मुस्लिम समुदाय ईसाई समुदाय के बराबर हो जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।